नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब? अब तो ये बात पूछने लायक भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो मेजर एक्ट, जिनको हम ऐसे टिप्स पे बोलते थे, CRPC, CPC, IPC एविडेंस, उसमें से तीनों ने तो अपना व्यवहार ही चेंज कर दिया। तो आप बहुत कन्फ्यूज़ हो क्या करना क्या नहीं। चलो इसी कड़ी में एक पहले मेरे वीडियो देखा होगा मैंने, एविडेंस एक्ट मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाया था, अब दूसरा चैप्टराइजेशन लेकर आई हूँ। अच्छा एक्ट है, कोई बहुत ज़्यादा करेक्शंस नहीं है, थोड़ी सी नंबरिंग ऊपर नीचे, आपके कंटेंट वही है, कंसेप्ट वही है। अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि अभी जब हमने एनालाइज़ किया तो हमने देखा अरे तो बिल्कुल वैसा का वैसा जैसा था, बस कुछ है ऊपर नीचे हो गई। तो लाइफ में बहुत सारे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होते हैं, वैसे इसी में हुए हैं। तो ये चलते स्टार्ट करते हैं, आज हम कर रहे हैं द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 और बिल नंबर अभी इसका है 122। जब एक्ट बन जाएगा तो एक्ट नंबर आपने को मिल जाएंगे। देन आते हैं इसके अंदर टोटल चैप्टर्स कितने हैं, तो चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं इसके टोटल चैप्टर्स के ऊपर। तो टोटल चैप्टर इसमें है 38, टोटल सेक्शन है 533। तो पहले हमारे पास 484 थे, तो ये होने थे, क्योंकि पता कोई ABC थे अपने, चैप्टर 5A था अपना, चैप्टर 21A था, चैप्टर 7A था। तो आप जाके काउंट करोगे तो वो भी 500 प्लस हो जाते थे, तो वो ABC इन्होंने हटा दिया, तो होने ही थे इतने। फिर आया शेड्यूल, इसके अंदर 2 है, जैसे पहली थी वैसे वैसे शेड्यूल है। बाकी डॉट 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 इंडिया में कब अप्लाई होगा, कब कमेंसमेंट होगा, कब सिग्नेचर होगा, ये जैसे होगा वो हमारे भर जाएगा। चैप्टर 1 जैसा पहले था बिल्कुल वैसे ही प्रीलिमिनरी, और वो भी 1-2 का 5 था, ये भी 1-2 का 5। तो सबसे लाता चैप्टर नंबर 1, मैं हूँ प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी आने के बाद क्या होता है यहाँ पर, तो इन्होंने कहा प्रीलिमिनरी आ गई, तो अब हम करेंगे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्स 6-20। तो वही कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल कोर्स आ गए, तो सबसे पहले CRPC का प्रीलिमिनरी आता है, देन वो अपने आप को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कोर्ट के साथ, देन आता है कोर्ट को हम पार दे देते हैं 21 से लेकर 29 तक। और जब हम कोर्ट को पार दे देते हैं तो आ जाता है हमारे पास पावर ऑफ सुपीरियर पुलिस ऑफिसर 30 से 34, पावर ऑफ सुपीरियर पुलिस ऑफिसर गए, और देन हमने उनको ऐड दे दी, हम मजिस्ट्रेट को उसकी सहायता कर ली हमने। जैसे हमने उनको ऐड किया वैसे हम पुलिस ने उनको अरेस्ट करना शुरू किया। तो वही चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल कोर्ट, फिर पार आई, फिर सुपीरियर पुलिस ऑफिसर उनकी सहायता दी, और देन आए अरेस्ट ऑफ पर्सन आ गए हमारे पास 35 से 62। याद कीजिए प्रीलिमिनरी चैप्टर 1 था, 5 अरेस्ट आ गया। देन आता 6, कहता है आपके पास कंपेल ऑफ अपीयरेंस करेंगे हम 63 से 93। क्या कहा आपको कंपेल करेंगे, आइए यहाँ पे और अपने एविडेंस दीजिए। यहाँ पर वही चार पार्ट में हमने डिवाइड किया, समन है, वही वारंट है, वही प्रोक्लेमेशन है, वही अदर मिसलेनियस है। जब आप लोग आ गए तो अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रोटेक्शन ऑफ थिंग्स की, जो आपके पास है। तो चैप्टर 7 सेम टू सेम प्रोटेक्शन ऑफ थिंग्स की बात करता है 94 से 110। तो अभी तक आपने जो चीज़ देखी इसमें चैप्टर्स बिल्कुल वैसे ही चल रहे, इसमें चेंज हुए तो सेक्शंस कुछ कम हुए और कुछ ज़्यादा हुए। तो आया 94 से 110, जो कि वहाँ पे समन आता है, फिर सर्च वारंट आता है, और देन मिसलेनियस प्रोसीडिंग आती है। समन है अपना 94 से 95, सर्च वारंट है 96 से 104, और देन आता है मिसलेनियस 105 से 110। तो चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल कोर्ट्स हुआ, फिर पार्स दी, फिर मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को लाए, उसके ऐड की, फिर उन्हें अरेस्ट किया, फिर कंपेल किया, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स किया। तो चैप्टर 7 कंप्लीट हुआ। अब चैप्टर 8 चेंज हो गया, पहले था हमारा सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, वो अब हमारा जो है चेंज हो गया। अब यहाँ पे आपको याद है एक चैप्टर था रेसिप्रोकल प्रोमिसेस वाला हमारा, तो इन्होंने एक अच्छा काम किया, क्या कि जितने भी ABC वाले थे वो सब मर्ज कर दिए। तो यहाँ पे आया अपने पास चैप्टर नंबर 8। अब यहाँ से थोड़े से करेक्शंस हुए, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स आ गए, इसी में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आ गए हमारा 111 से 124। इसके साथ आता सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, अभी हमारा चैप्टर 9 बन गया 125 से 143। और फिर सिक्योरिटी जब से कीपिंग पीस करवाई तो आपसे का घर जाके मेंटेनेंस करना 144 से 147, और मेंटेनेंस करने के साथ ही आपको पब्लिक ऑर्डर और ट्रांकुलिटी को मैनेज करना पड़ेगा 148 से 167, जिसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आता है इसका आपके पास जो बात करता है अनलॉफुल असेंबली का, जो 148 से 151 है, जो IPC में हुआ करता था। फिर पब्लिक न्यूसेंस 152 से 162 है, याद कर सकते 52 से 62। देन आता है हमारे पास अर्जेंट मैटर, अब 163 है, जो पहले अपने सेक्शन 144 लगती थी ना, कि धारा 144 लगी, अब हमारी धारा 163 लगेगी। और देन आता है अपने पास इमूवेबल प्रॉपर्टी 164 से 161। नोट किया चारों वो के वो, जो चैप्टर 10 हुआ करता था वो अब 11 हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा 7A जो है मर्ज हो गया। देन आया हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, या आया हमारे पास प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस,
168 से 172 और 11 था 12 हुआ। और जैसे प्रिवेंशन की बात आती है तो हमने गया पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की 173 से 169। इन्वेस्टिगेशन करते हमने क्या ढूंढा, लोकल ज्यूरिडिक्शन, आया लोकल ज्यूरिडिक्शन 197 से 209। जैसे ही हमें हमारा लोकल ज्यूरिडिक्शन मिल गया, किसके अंदर मिला, चैप्टर 14 में, तो हमने मजिस्ट्रेट क्या किया, मजिस्ट्रेट के पास गया, मजिस्ट्रेट का रुको जाओ मेरे पास आए तो कंडीशन रिक्विजाइट कहाँ है, कंडीशन क्या हो अपनी पूरी करके आओ, 210 से 222 कंडीशन आपने बता दी मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट का लिया कंप्लेंट, या आया चैप्टर नंबर 16 कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, 223 से 226 तीन दोनों छः 23 से 26 कंप्लेंट की मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट ने अपनी प्रोसीडिंग की कमेंसमेंट किया 227 से 233 कमेंसमेंट स्टार्ट हुई, होते ही क्या लग गया चार्ज, 17 पे खतरा हट गया, अब 18 पे आ गया आपका खतरा, ये लगा आपका चार्ज 234 से 247 चार्ज होते आपके वही चारों ट्रायल, वही आपकी सेशन ट्रायल, वही आपकी वारंट ट्रायल, वही आपकी समन ट्रायल, वही आपकी समरी ट्रायल, और वही आपके पास ऑन पुलिस रिपोर्ट, अदर दे पुलिस रिपोर्ट एंड कंक्लूजन, ठीक है। और देन आता आपका पास प्ली बार्गेनिंग, देखो प्ली बार्गेनिंग इसमें आ गई, एक चैप्टर और बढ़ गया यहाँ पे हमारा, तो एक चैप्टर और बढ़ा प्ली बार्गेनिंग यहाँ पे आ गई 289 से 300, तो अपने पास कितने दो चैप्टर बढ़ गए, तो यहाँ पे जब हम आते थे 21A, तो 21A में दो बढ़ गए तो 23 हो गए, बराबर चल रहा है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है भाई, 21A तक था दो बढ़ गए तो 23 हो गए अपने, ठीक है आगे चलते हैं। फिर आया अपने पास अटेंडेंस सेम टू सेम, आप जो प्रिजनर सेम को अटेंडेंस के ना CPC वाला चैप्टर, CPC में कहाँ था, ऑर्डर नंबर 16A, ये आ गए अपने पास ऑफेंडर्स अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स, कहाँ से कहाँ तक, 301 से 306 हैं, 301 से 306 हम और भी कहीं पढ़ते थे वो कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 301 से 307 है, याद है पार्ट नंबर 13 जो कहता है टेरिटरी में इंडिया के अंदर बिजनेस करते हैं। फिर आया हमारे पास 25 कहते हैं एविडेंस कैसे लेंगे इंक्वायरी और ट्रायल में, 307 से 337 जो पहला आता है टेकिंग है, अपने पास आता रिकॉर्ड 307 से 318 इसको दो भाग में डिवाइड कर, फिर आ गया कमीशन 319 से 337 बिल्कुल पहले जैसा है, सिर्फ नंबरिंग चेंज है बाकी पूरा वो के वो डिवाइडेशन है। देन आया अपने पास जनरल प्रोविजन, जनरल प्रोविजन आता है हमारे पास 338 से 366, यहाँ पर एक करेक्शन हुआ, आपको पता है जैसे ही अपना चैप्टर स्टार्ट होता था जनरल प्रोविजन, पहला सेक्शन क्या था, सेक्शन 300 प्रीवियस कन्विक्शन और प्रीवियस एक्विटल है ना, पूर्व दोष सिद्ध पूर्व दोष मुक्ति के बारे में, वो चला गया अब हमारा 337 में, वो यहाँ के अटक गया हमारे पास 337 के अंदर आ गया था, ठीक है। देन आता है हमारे पास मेंटल इलनेस, पहले हमारे पास था यहाँ पे अनसाउंडनेस, अब इसको चेंज करके कर दिया मेंटल इलनेस, ये इसका चैप्टर का नाम चेंज हुआ है जो बात करता 363 से 378। देन आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस 28, चैप्टर 28 कहता है इफेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस 379 से 406। जब ये चैप्टर आता था इसके बाद क्या आता था अपने पास, क्या डेथ सेंटेंस का कंफर्मेशन था, नहीं, इसके बाद एक चैप्टर आता था जजमेंट, उस जजमेंट के चैप्टर को 28 में मर्ज कर दिया, अब अपना जजमेंट हो गया 392 में, कहाँ पे आ गए, पहले 392 क्या था, मेजोरिटी के आधार पर था ना, 392 में मर्ज हो गए, यानी जब हमने 7A और 21A को इन्होंने एक्सटेंड किया लेकिन इन्होंने एक चैप्टर को यहाँ आके मर्ज कर दिया, इसलिए टोटल चैप्टर 38 है, अन्यथा टोटल चैप्टर कितने होते, 39 होते, लेकिन जजमेंट इसी में इंक्लूड हो गया। फिर जजमेंट आई तो डेथ सेंटेंस का कन्फर्मेशन पहले भी करा अभी भी करा रहे 407 से 412, और कन्फर्मेशन हो गई, नहीं से पसंद आया तो आप आगे भागे चले गए अपील में 413 से 435, बिल्कुल पहले जैसे नंबरिंग है, पहले भी अपने पास 413 से 435 था चैप्टर नंबर 32, यहाँ पर भी इस बार है पर ये 30 में है, तो 413 से 435 और देन रेफरेंस और रिवीजन 436 से 446, 36 से स्टार्ट होता है 46 पे ख़त्म होता है, और रिव्यू अभी भी नहीं है, ना पहले था ना अभी भी है, ठीक है। जब आपने रेफरेंस और रिवीजन कर दिया तो आपने कहा भाई अब क्या करें, अब हमारे मैटर को आप एक काम कीजिए, आप हमारे मैटर को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ट्रांसफर मैटर 447 से 453 पूरे नए नंबरिंग के साथ, और देन चैप्टर 33 क्या कहता है, एग्जीक्यूशन सस्पेंशन रेमिशन एंड कमिटेशन 457 से 478, जिसको चार भाग हम डिवाइड किया, पहला अपना डेथ, फिर इम्प्रिजनमेंट, देन लेवी ऑफ फी और देन जनरल प्रोविजन, पहले ये 5 पार्ट में डिवाइड था 4 पार्ट में डिवाइड हो गया परा। देन आता बेल एंड बॉन्ड, इसमें एक नई चीज़ जो हमारे पास आई वो आई 479, इसमें हमारे पास एक नई चीज़ आई है 479 जिसके अंदर हमें बेल एंड बॉन्ड की डेफिनेशन को दिया गया, ये हमारे एक नया इसमें जोड़ दिया इन्होंने 479 से 498,
देन चैप्टर 35 डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी 499 से 507, देन आता आपके पास इरेगुलर प्रोसीडिंग 508 से 514, 555 बोलना थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है, और देन आता लिमिटेशन पीरियड 515 से 521, और लास्ट इज मिसलेनियस 522 से 553। तो आपने देखा कुछ भी डिफरेंट नहीं लग रहा है, जब पढ़े सिर्फ सेक्शन के नंबरिंग को छोड़ के बाकी सब कुछ एक जैसा चल रहा है, तो आपको इतना टेंशन करने की जरूरत नहीं, बहुत इजी वे में आपको याद हो जाएगा। सवाल ये आ रहा है कि अभी क्या पढ़ना है, तो जब तक नेक्स्ट कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक पुराने वाले ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो अभी जो भी अपकमिंग वैकेंसी होंगी आपको पुराना वाला ही पढ़ना है और पुराना वाला ही आपको सपोर्ट करेगा। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको इसकी ओर लेके जाऊंगी, कुछ करेक्शंस हैं जो सरकार को करने होंगे, कुछ करेक्शन जो है टाइपिंग एरर है। टाइपिंग एरर देखो होती है, जब इतना बड़ा काम करते हैं, इतनी बड़ी ड्राफ्टिंग करते हैं तो टाइपिंग एरर संभाविक है, क्योंकि हम भी टेस्ट सीरीज बनाते हैं तो हो जाती है, क्योंकि बनाने वाला ह्यूमन बींग है। तो यहाँ पे कुछ चेंज कुछ हैं करेक्शन जो बहुत बड़े हैं, सरकार के लिए करेक्शन है, हो सकता है कि मेरे देखने में थोड़ी त्रुटि हुई होगी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ी बहुत करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले हम करेक्शन के साथ ही। तो आप देखेंगे जो चैप्टर नंबर 15 है हमारा, चैप्टर नंबर 15 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 15 जो है वो बात करता है हमारे रिक्विजिट कंडीशन की बात करता है। इसका एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 220। अब इस 220 सेक्शन के जो इंडेक्स हैं उसके अंदर इनका पुराने वाली आईपीसी का 498A रह गया। हालांकि सेक्शन के अंदर जाके हम देखते हैं तो वहाँ पे करेक्शन है, सेक्शन के अंदर जाके हम देखेंगे तो वहाँ इनके पास करेक्शन है, और उन्होंने बकायदा वहाँ पे जो हमारी नई वाली आईपीसी है उसका नाम भी मुझे अभी याद करने में टाइम लगेगा क्योंकि एकदम से हमें याद नहीं होता है, तो उसके अंदर लिखा हुआ है हमारे पास भारतीय न्याय संहिता 2023, वहाँ पे इसका सेक्शन दे रखा है इन्होंने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनका थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, तो 220 के अंदर जो इंडेक्स है वहाँ पे लिखा हुआ है 498A। अब तो 498A है नहीं भारतीय न्याय संहिता के अंदर, वहाँ पे अब सेक्शन आ गए हैं 84, तो ये करेक्शन जो है इंडेक्स में गड़बड़ हो गया जो आगे ये लोग करेंगे। देन इसी के अंदर एक और सेक्शन है 222। जब 222 की बात करते हैं तो ये वो डिफेमेशन वाला था, जो पहले वाला था ना हमारा सेक्शन 199, पुरानी सीआरपीसी, ओल्ड सीआरपीसी, क्योंकि अब तो सीआरपीसी बोलते थे क्योंकि इसका नाम तो सीआरपीसी है ही नहीं, इसका नाम तो वैसे भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ना, तो सीआरपीसी में जो 199 था वो ये है 222। अब जब इस 222 के डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसका 22 का 2 आ जाता है, इसमें छोटा सा करेक्शन ये हो गया कि ये चला गया हमारे पास सेक्शन 260। देखेंगे हम देखेंगे चैप्टर नंबर 19 का सेक्शन 260 देखिएगा, तो सेक्शन 260 है उसमें उन्होंने लिख दिया 223(1), जबकि एक्चुअल में ये होना चाहिए था 222 का क्लोज टू, क्योंकि जब पुराने सीआरपीसी थी तो डिफेमेशन था, वो प्रेसिडेंट वाले गवर्नर वाले, तो उनकी ट्रायल बाय सेशन ट्रायल होती थी, तो सेशन ट्रायल होती थी तो सेम प्रोविज़न यहाँ पर है, तो यहाँ पर वो एक्चुअल होना चाहिए था 222 क्लोज टू। तो इनकी जो टाइटल है इंडेक्स में भी गड़बड़ है और चैप्टर के अंदर में भी टाइटल में गड़बड़ है। हालांकि टाइटल के अंदर उन्होंने 222 का क्लोज वन लिखा है, लेकिन अगर पुराने सीआरपीसी देखते थे वो 222 का क्लोज टू था, तो ये बड़ा करेक्शन हमें इसमें दिखा है। हो सकता है कि इस बार करेक्शन हो या कुछ और लॉजिक हो, लेकिन फिलहाल ये करेक्शन में आया हमारे पास। देन आता है हमारे पास, आगे चलते हैं, जो चैप्टर नंबर 18 है चार्ज, उसमें भी एक थोड़ा सा हमें लगा कि शायद कुछ दिक्कत है। चैप्टर नंबर 18 चार्ज, एक्चुअली पहले जो सीआरपीसी थी उसका चैप्टर नंबर 17 था चार्ज, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया था ए और बी। इस बार इसमें चैप्टर एक तो डिवाइडेशन है पर अंदर और दूसरा कोई डिवाइडेशन नहीं है, या तो एक टाइपिंग एरर मिस्टेक्स हुए, क्योंकि जब ए है तो बी होना था, नहीं तो उसको ए करने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो ऑटोमेटिक पूरा चैप्टर में समाहित हो जाता, तो उसमें ए है पर बी नहीं है, तो या तो ए भी जरूरत नहीं पड़ती नहीं तो बी कहीं ना कहीं टाइपिंग एरर में रह गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे,
जो हमारे पास करेक्शंस में हमें जो दिखा है, हाँ एक नई चीज़ जो इन्होंने ऐड की है, चैप्टर नंबर 27 जो हमारा पर से पागल पर से 25 था तो वहाँ पे अनसाउंड वर्ड था, तो ये एक नया चीज़ हमारे लिए आई है, इसमें कोई करेक्शन नहीं है, ये एक नई चीज़ हम लोगों के लिए आई कि यहाँ पे अनसाउंड की जगह पे मेंटल जो इलनेस उन्होंने वर्ड यूज़ किया है। इसके बाद जजमेंट मैंने आपको बता ही दिया था, फिर जजमेंट का चैप्टर जैसे मैंने आपको बताया था वो इस बार नहीं है, वो हमारे लिए है, इसमें कोई करेक्शंस नहीं है। तो ये मोटे मोटे जो हमें दिखे, दो करेक्शंस इसमें दिखे, और एक नई चीज़ जो हम लोगों के लिए ऐड हुई वो है मर्सी पेटिशन। पहले वाले में हमारे पास मर्सी पेटिशन नहीं थी, इस बार हमें एक नया चीज़ दिया है इन्होंने, एक नया तोहफा दिया है और वो है 473 मर्सी पेटिशन। क्योंकि हम देखते थे कि जब भी डेथ सेंटेंस होता तो राष्ट्रपति जी के पास हम मर्सी पेटिशन लगाते थे, ये मर्सी पेटिशन इस बार इन लोगों ने हमें राइट दिया है जुडिशरी के पास, ये भी एक बहुत बड़ा है, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये जो राइट है जुडिशरी को भी दे दिया है। ठीक है, तो ये थे मोटे मोटे दो करेक्शंस मुझे दिखे, बाकी एक सुंदर सा चैप्टर जैसे मैंने आपके सामने रखा है, बहुत इजी है, ऐसा नहीं है पुराने जैसा ही है, आप 2 से 3 टाइम इसको रिवाइज करेंगे तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ही साथ सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस फाउंडेशन बैच चलाती है, आपसे ज्वाइन कर सकते हैं, नए स्टूडेंट जिनका 2024 2025 2026 में लगेगा उनको नई CRPC पढ़ाएंगे, अभी वाले जो हैं अभी वाले CRPC पढ़ सकते हैं, दोनों CRPC अवेलेबल है, आप नई वाली पढ़नी चाहे तो नई वाली पढ़ा सकते हैं, पुरानी वाली चाहिए तो पुरानी वाली पढ़ा सकते हैं, क्योंकि सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस इंडिया के सारे स्टेट को पढ़ाती है, हर सब्जेक्ट को पढ़ाती है, लगभग 75 लॉज है जो मैं पढ़ाती हूँ, तो इसलिए हमारे लिए नया पुराना कुछ नहीं, लॉ इज़ अ लॉ, लॉ तो लॉ है, उसको पढ़ने और पढ़ाने का टेक्निक हमारे पास है, वो वाली बात है। तो नई CRPC बढ़िया है, सुंदर है, अच्छी है। अब आती है क्रिटिसाइज की बात, तो देखो जब भी नया आएगा आलोचनाएं होंगी, जब भी पुराना जाएगा आलोचनाएं होंगी, ये हम सबका ह्यूमन नेचर है, ये तो चलता रहेगा सिलसिला, हम इन सब में पढ़ने के बजाय ये चेंज होनी थी और होनी चाहिए थी, ये हम सबको पता है, हम सब कहीं ना कहीं कह रहे थे होनी चाहिए, ये क्या प्रोविजन से नए आने चाहिए, इनको अडॉप्ट करने में थोड़ा सा हमें समय लगेगा, बट एक बार कर लोगे तो फिर ये अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, इस चैप्टराइजेशन में अगर मुझसे कोई छोटी मोटी गलती या त्रुटि हो गई तो एक बार उसको बैरक में वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आज के लिए